भाई ट्रेलर का काम क्या होता है? किसी भी मूवी का हाइप बनाना। लेकिन अगर कोई ट्रेलर पूरी ही मूवी तुम्हें दिखा दे तो क्या तुम उस मूवी को थिएटर में देखने जाओगे? ऐसा ही कुछ बड़े मियां छोटे मियां का ट्रेलर भी करता है, जहां इस वीडियो में हम सारे दिखाए हुए हिडन डिटेल्स को डिकोड करेंगे। सो ट्रेलर के शुरू में हमें इसके विलेन को दिखाया जाता है, जो कि टू बी ऑनेस्ट इस मूवी का मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट है, क्योंकि पृथ्वीराज के कैरेक्टर को थोड़ा मिस्टीरियस रखा गया है। हमें नहीं पता कि वो कौन है और वो ये सब क्यों कर रहा है। लेकिन हाँ, ट्रेलर में ये कुछ इंडियन आर्मीज वाले शॉट्स दिखाए गए हैं, जिसे देखकर थोड़ा जिम की स्टोरी वाला फील आ रहा है। आई मीन इसके साथ भी कुछ ऐसा बहुत ही गलत हुआ होगा, जिसका दोष वो इंडियन आर्मी और आम लोगों को मारकर चुकाना चाहता होगा। अब इसी मिशन को अंजाम देने के लिए भाई ने कोई मिसाइल टाइप के डेडली वेपन इंडियन आर्मी से उनके बेसिस पर अटैक करके चुरा ली है। और अब इससे पहले कि ये साइको तबाही मचाए, इसे रोकने के लिए इससे भी बड़े दो साइकोस को बुलाया जाता है। भाई ये डायलॉग्स कौन लिख रहा है? वेल, अब आगे हमें मूवी की दो फीमेल कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, जिनमें से एक अंडरकवर एजेंट है और दूसरा आईटी स्पेशलिस्ट, जहां ऑब्वियसली ट्रेलर में इन्हें बस आई कैंडी की तरह ही ट्रीट किया गया है, क्योंकि भाई चश्मा पहना दो, नर्ड बना दो, बन गई अंडरकवर एजेंट, किसी को क्या ही पता चलेगा। वेल, अब आ चुके हम मूवी के इंटरवल में, जहां हीरोज एक के बाद एक जबरदस्त एक्शन कर करके अपने मिशन को कंप्लीट करने ही वाला होता है कि अचानक से पृथ्वीराज आकर वहां उन दोनों को बंदी बना लेते हैं। अब ट्रेलर में इसके बाद चीजें थोड़ी इंटरेस्टिंग बन जाती है, क्योंकि अब हमें इस मूवी का दूसरा एस्पेक्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। हमें ये पता चलता है कि पृथ्वीराज सुपर सोल्जर्स बनाने का कोशिश कर रहा है, एंड यू आर राइट, वो कामयाबी हो जाता है। क्योंकि अगर आप ट्रेलर के एंड में देखो तो अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ को एक दूसरे से लड़ते हुए दिखाया गया है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली ये इशारा करता है कि इस मूवी में विलेन ने ऐसा सुपर सोल्जर बनाया होगा जो कि दोनों हीरोज के क्लोन है। जी हाँ, आप ट्रेलर में जिसे देख रहे हो वो अक्षय कुमार का एआई से बना हुआ क्लोन है, जो टाइगर श्रॉफ से लड़ रहा है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि अक्षय कुमार के ब्रेन को टेक्नोलॉजी के माध्यम से विलेन ने अपने कंट्रोल में ले लिया होगा, क्योंकि अगर इस सीन को देखो तो सोनाक्षी सिन्हा पर भी विलेन कुछ ऐसा ही करते हुए दिख जाते हैं। एंड यस, ये तो कंफर्म है कि इस मूवी में सोनाक्षी सिन्हा का कैरेक्टर मरने वाली है। स्पॉइलर अलर्ट देना था क्या? अब इस ट्रेलर में मुझे तीन बड़ी प्रॉब्लम्स दिखी है। एक, मुझे अक्षय कुमार को फिर से एक्शन करते हुए देखने में बहुत मजा तो आ रहा है, लेकिन उनके लुक्स बहुत ही बेकार है। वही जो भी ये सोच रहे हो कि टाइगर श्रॉफ का इस मूवी से कमबैक होगा, तो नहीं, क्योंकि इस मूवी में भी वो वही कर रहे हैं जो वो हर मूवी में करते हैं, वही गुलाटिया मारना, अजीब सा एक्सप्रेशन देना वगैरह वगैरह। दूसरा, इस मूवी के डायलॉग्स जो ट्रेलर लेवल में ही बहुत ही बकवास लग रहा है, आई होप मूवी में ऐसा ना हो। और भाई तीसरा, अजीब सा एब्रप्ट कट लगाना। इस ट्रेलर में कट बहुत ही बुरी तरह से लगाया गया है, स्पेशली इस सीन को देख लो। अब देखो भाई, ऐसा नहीं है कि कुछ भी अच्छा नहीं है। गणपत देखने के बाद मुझे इसके वीएफएक्स को लेकर डर तो लग रहा था, बट इस बार दे डिड अ डिसेंट जॉब। कुछ जगहों तो बॉम्ब ब्लास्ट देखकर ऐसा लग रहा है कि असली में ब्लास्ट करके इन्होंने शूट किया होगा, व्हिच इज एक्चुअली क्वाइट इंप्रेसिव। एक्शन और सेट पीस इस मूवी में बढ़िया लगने वाले हैं, और आप जब बड़ी स्क्रीन में इसे एक्सपीरियंस करोगे तो आपको मजा जरूर आएगा। सो ओवरऑल इस मूवी की कहानी कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी तो नहीं होने वाला, पर इसके एक्शन सीक्वेंसेस अगर ठीक से पुल ऑफ हो गए तो शायद मास ऑडियंस इस मूवी को हिट करवा देगी। पर्सनली मुझे इस ट्रेलर ने कहीं से भी इंप्रेस नहीं किया, बट मैं दिल से चाहता हूँ कि ये मूवी बॉक्स ऑफिस फाड़ दे। वेल, आपका क्या ओपिनियन है आप कमेंट सेक्शन में बताओ। और मिर्जापुर 3 का टीजर आया था, जिसका अगर आपको ब्रेकडाउन देखना है तो इस वाले वीडियो को देख लेना। और हाँ, जा ही रहे हो तो सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहो, फॉलो और मजे करो।